और गौरी ने आज इसका पोपट बना दिया क्लास में। जैसे ही टीचर इसके बारे में कुछ कहती तो गौरवी का जो था एक जवाब आया मैम को। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी जिंदगी के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और गाइस, रात को जो है ना हीटर चल रहा था, बिल्कुल मस्त जो है ना नींद आई थी। और ये रजाई जो अभी पाँव में रखी ना, ये ऐसी थी रात भर, पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड हो रही है भी नहीं हो रही है। ज्ञानवी का जो है पीटीएम है आज, तो पीटीएम में जाना है। चलो देखते हैं ज्ञानवी उठी है या नहीं उठी है। उठ गई? हाँ, नहीं उठी बैठी है। हाँ ये देख, सुबह रैबिट, दिन में रैबिट, खाना खाते हुए रैबिट, सोते हुए रैबिट, हर टाइम रैबिट ही रैबिट। चलो जल्दी उठ जाओ, तुम्हारा आज पेटीएम है, आज देखते क्या धमाल मचाती है तू। अरे आंखें खुलने लग गई, आंखें खुलने लग गई है, आंखें आंखें खुलने लग गई। देखो 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 बच्चों, रैबिट बैठ गया, रैबिट की भी आंखें खुल गई और अब गौरी की भी खुल रही है। देखो तीन तक काउंट करने में खुल जाएगी। 1 2 3 खुल गई। उठो 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 उठो, चल चल। बाप रे, लैपटॉप जो है ना ठंडा हो गया बिल्कुल, हीटर क्या करेगा, थोड़ा शायद गर्म हो जाए। चलो गाइस, ज्ञानू तो गई नहाने, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब मैं पीता हूँ चाय और उसके बाद गौरी को भी उठाना है, बहुत देर हो गई। पिछली बार आँख खोली थी और अभी तक उठी नहीं है। गौरव गौरव उठो, उठने दे आप, उठो 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 उठो, स्कूल चलोगे तो फिर जल्दी उठो, अभी तक क्यों सो रहे हो, जल्दी उठो। हाँ मैं पूजा दीदी को बोलूँगा, आपको तैयार कर देगी। फटाफट से नहाओ, दो ब्रश करो, खाना खाओ और फिर चलते हैं। गौरी पूछ रही मम्मा कहाँ है, पूजा दीदी से, इतना लेट उठी है। और मम्मा तो उस टाइम तक ऑफिस भी पहुँच गई होगी। ये देखो आ गई दोबारा से यहाँ पर लेटने के लिए। पापा चलो, चलो ये क्या स्वेटर नहीं पहन रही क्या, ठंड नहीं लगेगी? बस एक ही येलो टी शर्ट पहन ली, दिखा, ये देख कितनी पतली है, ऊपर से बस जैकेट है। ठंड लगेगी, बाहर हवा चल रही है, स्कूल में ज्यादा तेज हवा चलती है। मैं हेयर ड्रायर मार के जाऊंगा। वाह, हेयर ड्रायर मार के जाएगी, वहां तक गर्म रहेगा, शाबाश। ये क्या उन्होंने अभी क्या है, हेयर ड्रायर चलाया और साथ में गीजर भी चल रहा था, गौरी ना रही थी तो एक दस में ट्रिप होके इन्वर्टर पे चला गया। तो अभी अभी जो है मैंने यहाँ पर से दोबारा से वापस स्विच किया है, मैं बैक टू द पावर और अब अपना वो ड्रायर करेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी बच्चे घर पर अकेले हो ना तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ ना खेले। इधर इधर इधर, ये देखो आप इसका ब्रश शुरू हो रहा है, नहाने धोने के बाद अब ये ब्रश करने लगी है। इसे ध्यान आया कि मुझे खाना खाना है, अब खाना खाने से पहले तो ब्रश करना पड़ेगा, तो पहले भूल गई थी है कि मुझे ब्रश भी करना है। अब देखो ऐसे रगड़ रगड़ के अपने दांतों को चमकाने में लगी है। सारे दांत जो है साफ होने चाहिए, एक भी दांत नहीं छूटना चाहिए, आराम आराम से करो। ब्रश कर लिया, वेरी गुड। चलो फिर खाना दो। खाना क्या खाएगी? पनीर का पराठा। बस अब ब्रश कर लिया, ब्रश करने के बाद उसे एकदम से भूख लग गई, देखो टूट पड़ी खाने में। पनीर पराठा, रोटी का पराठा खा खा के देख मोटी होती जा रही है। पहले पहले एक खा, मेरे लिए बटर काट दो। बस हो गया, ऐसे खा ले। बटर काहे, बटर काहे, बटर काहे, बटर ये रहा। वो चीज है, ये चीज है। हाँ। देख पापा को तो बताओ ही नहीं है कि चीज कौन सा और बटर कौन सा है, दोनों एक जैसे लगते हैं। काहे बटर काहे बटर, ऊपर होगा, ऊपर फ्रीजर में थोड़ा होता है बटर, और अगर किसी ने भी रखा होगा तो महान होगा। नहीं है, खत्म हो गया, एक लड्डू ही बचा, आज मैं खाऊंगा। रुको रुको, देख 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 देख, फ्रिज जो है बोलने लग गया, आवाज करने लग गया, इसका मतलब बंद करो, बहुत देर खुल गया। चलो अब चलते हैं गाइस। अरे चलेंगे तब ना, पहले पापा तो तैयार हो जाए। फटाफट पापा जो है तैयार हो रहे, अपने कपड़े ढूंढ रहे, मगर समझ नहीं आ रहा कि क्या कपड़े अपने। चलो देखते हैं। अरे पूजा दीदी जैकेट का रख दी मेरी, जल्दी देखो। और अभी तक एक ही जैकेट थी मेरे पास जो मैंने नहीं पहनी, ठीक है ना, वो भी पूजा दीदी ने पता नहीं देखो कहाँ रख दिया, अब क्या करें। और गौरी ने देखो अपना बैग बैग टांग लिया, रैबिट हाथ में आ गया और पापा की हेल्प कर रही है कपड़े ढूंढने में, कपड़े ढूंढने हैं, फलाने नहीं है, ठीक है। तो गाइस देखो ये रैबिट तैयार हो गया, गौरी ने दो बार जैकेट उतार के जो है पहन लिया कि किसमें मैं अच्छी लग रही हूँ। और ज्ञानू देखो आराम से लेटी हुई है, अब मेरा खाना भी आ चुका है तो अब खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो भाई तीनों के तीनों हो गए तैयार, सबसे लेट जो तैयार हुआ मैं हुआ,
मगर उस बीच में इन्होंने मौज करी, मस्ती करी और टीवी देख लिया। चलो दरवाजे खोलो, पापा आ गए। अबे लिफ्ट को होकर गया, वो ऊपर से नीचे जा रही है। अरे आ गई वो वाली, आ गई वो वाली। तो मैं बैग लेके आ रहा हूँ, तुम दोनों गाड़ी में शैतानी मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, और डोर भी खोलने की जरूरत नहीं है। ओके लॉक करके जाना। ओके तो गाइस पापा चले गए, हमारे हाथ में है कैमरा। हा 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 नहीं गौरी, पर्स के अंदर क्या डाल के जाके अपना फोन फोन दिखाओ, अपना फोन दिखाओ। गाइस मैं बताऊं, गौरी ने ना अपना फोन में ना कुछ ना अजीब सा कुछ कलर किया था, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस दिखा दो गाइस को, थोड़ा सा हम इधर जाते हैं। गाइस को दिखा दो ना अपना फोन। अच्छा ठीक है, ये दिखाओगे तो गाइस नाराज हो जाएंगे। मुझे पहले दिखा लेते दो, मैं निकालूं। ये देखिए गाइस, ये गौरी ने क्या फोन को खराब कर दिया। गौरी दिखा मेरे हाथ में तो ना, फिर मैं गाइस नाराज हो गई। देखिए इधर ये ब्लैक, इधर फिर ये बॉल पेन, फिर इधर वापस से ब्लैक, फिर इधर ये कुछ लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन लग रहा है। पापा जल्दी आएंगे, दस घंटे बाद पापा आएंगे। मेरी बात सुनो, पापा आएंगे 10 घंटे बाद। तो गाइस अब पापा आ गए तो हम चलते हैं स्कूल। अरे गौरी कहाँ देख रही है उधर पीछे? सांड दिखा, सांड सांड को देखने के लिए लटकी है पीछे। आज तो लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की, सारे पेरेंट्स आए हैं लगता पहले से ही। इधर इधर ये गाड़ी लगा देते ना, तो पता नहीं ऐसा चिपका चिपका लगा दिया। अरे ठीक है वहीं पर ही ठीक है, यहाँ पर भी उतना स्पेस है, तुम्हें भी पता नहीं चल रहा। हाँ गौरी हाँ सब जगह स्पेस स्पेस है तुम्हारे लिए। तो गाइस आज है ज्ञानवी की पीटीएम और ये तो रह ही नहीं सकती स्कूल आए बिना, तो आ गई साथ में। तो चले देखते हैं आज क्या बताती है ज्ञानवी की मैम, ज्ञानवी के बारे में। इस हफ्ते ना ये मेरा तीसरा राउंड है स्कूल में और लिटरली मतलब मज़ा आया था स्कूल आके, पुराने दिन याद आए थे। और वो देखो स्कूल आती दोबारा जो है गौरी का भागना शुरू हो गया, तो अभी से पकड़ते हैं गौरी। नहीं नो 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 नो, फ्लावर नहीं छेड़ने। देख गौरी घर की सीढ़ियों में तू फर्स्ट आती है और यहाँ स्कूल की सीढ़ियों में दीदी फर्स्ट आ रही है, जल्दी भाग। और दीदी ने इस बार बाजी मार ली स्कूल में, इस बार दीदी ने बाजी मार ली। यहाँ से देखो क्या व्यू आता है स्कूल का, अच्छी धूप है, बच्चे खेल रहे हैं। वो देखो स्कूल का घंटा टन टन बजेगा 12 बजे, जल्दी आओ भाग के, जल्दी आओ। 4C देखा, क्लासेस चेंज हो गई है, मैंने कहा था। गौरी गौरी ज्ञानू गई अंदर, अब ज्ञानू की शामत आने वाली है, ठीक है हम भी चलें। चलो गौरी इधर देख, ज्ञानू की शक्ल देखे भी कैसे हो रही है, ज्ञानू की हवा टाइट। बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? देखो गाइस ये रैपिड पकड़ा दिया मुझे और पहुंच गई वहाँ खेलने के लिए। मतलब स्कूल आएगी और खेले ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देख रहे हो ऐसे पकड़ी बॉल और फिर पकड़ 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 पकड़, अभी फेंकेगी, फेंक, पहुंच ही नहीं पा रहा। पापा जा रहे हैं रैपिड के साथ, बाय, जल्दी आ जा। तो गाइस पीटीएम हो गई ओवर एंड एज एक्सपेक्टेड ज्ञानवी का पूरा हाल खराब कर रहा है। ज्ञानवी हैज वेरी गुड मार्क्स ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एक प्रॉब्लम थी जो मैंने टीचर्स के साथ भी डिस्कस करी, सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन और होमवर्क, जो ये लड़की कभी नहीं करती। और फिर दोबारा हाथ धोने लग गई, पानी आता ही नहीं इसमें, पता नहीं है तुझे। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और गौरी ने आज इसका पोपट बना दिया क्लास में। जैसे ही टीचर इसके बारे में कुछ कहती तो गौरवी का जो था एक जवाब आया मैम को, मैम शी इज ज्ञानवी नॉट होमवर्क। अंग्रेजी देखो लड़की की अभी बस इतनी सी है और 4 वर्ड इंग्लिश के सीख भी गई। से हाय, से हाय। अब इनको क्या है कि जाने से पहले चिज्जी दिलाओ तो तभी ये घर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, कसम खा ली इन्होंने गंगा मैया की। नहीं 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 नहीं, जल्दी चिज्जी लो और घर पर निकलो। ये बोल रहे हमारे फेवरेट भैया ये,
और बस इन्हीं से हम लेंगे लिकेबल, और किसी से नहीं लेंगे। कैमरा पकड़ेगी पिज्जी दे दे। वेलकम बैक होम। चलो देखते हैं कौन दरवाजा खोलता है। इतनी देर दिस इज लाइव ऑन फेसबुक। अच्छा तुम्हारे इंस्टा की रील नहीं है ये, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इट्स डार्क हेयर, अब चलेगा लाइट। 1 2 3। अरे दोनों गैंगस्टर किधर हैं? हाँ टीवी में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? गलत लाइट जल गई। नीले लाइट में कैसे लग रही है मेरी आपको? देखो 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 देखो। अब आगे लाइट। घर पे आके ना बिल्कुल सुकून मिलता है एकदम, बीवी का हाथ का खाना खाने में। चलो देखते हैं आज क्या बनाया है इसने। एक्करी, और ये क्या? गाजर का हलवा या थोड़ा सा ज्यादा देता है। ठीक है आज बताया गौरी ने एक धमाल करा क्या? स्कूल में ज्ञानों का पोपट बना दिया। मैं मतलब कि ऐसे बैठा हुआ था गौरी बीच में ज्ञानू और इधर मैं, तो मैं ज्ञानू के बारे में बोल रहा था कि ये ना वो नहीं करती, होमवर्क वगैरह नहीं करती। और गौरी ने देखा कि ये तो भाई अब स्कूल में आ गए हैं तो थोड़ी इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है ना। तो गौरी मैम, मैम ने बोला यस बेटा, मैम ज्ञान भी नेगी नॉट होमवर्क। भाई मेरे को इतनी हंसी आई ना वहाँ पर, मेरी हंसी छूट गई। अब मैडम भी इतनी जोर से हंसी और ज्ञानो देख रही गौरी की तरफ कि ये बोल क्या रही है। मतलब पहली बार इंग्लिश के मैंने चार वर्ड सुन लिए उसके, मुझे दिल खुश हो गया। तो गाइस ये तो थी गौरी की बातें सुबह से लेकर अभी तक की। और चलो अब अपने काम पे लगते हैं, थोड़े से जो वीडियोज हैं वो एडिट नहीं हो पाए हैं तो फटाफट उन्हें एडिट करते हैं। देख रहे हो रील्स की तैयारी, चुप चुप के बच्चों के कमरे में और बच्चों को लगा रखा है पिक्चर में अपने कमरे में, देखते हैं। वाह बेटा सर्दी में जो गर्मी का मजा है ना वो तुम ही ले रहे हो, आराम से बिल्कुल लेट के और पिक्चर देख रहे हो। पापा नहीं आ रहे, पापा को बहुत काम है अभी, मैं तो बस देखने आया था। नो 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 अभी नहीं आ रहे, नहीं नहीं नो 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 नो। पापा जल्दी आना। क्या? चमनप्राश। वाह पूजा दीदी रोज की तरह चमनप्राश ले आई, देखो सेहत तो कितना ध्यान रखती है। सुनाई दे रही है आवाज? लगभग जो है 12:30 हो गए, 12:30 से ऊपर हो गया टाइम। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम हेयर, और मिलते हैं अपनी जिंदगी के एक नए ब्लॉग में। बाय।